हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो रहने वाली है ये छोटे स्पीडोमीटर के ऊपर। सो गाइस, बेसिकली ये बाइसाइकिल के लिए है, लेकिन आप इसको बाइक में भी यूज़ कर सकते हो। और इसको मैं जो है बाद में अपने जो है किसी और प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ। ये इसके साथ एक यूज़र मैनुअल मिलेगी आपको, एक ऐसा जो है आपको एक डिस्प्ले वाला जो है स्पीडोमीटर मिलेगा, और यहाँ पे आपको जो है इसका होल्डर मिल जाता है स्पीडोमीटर को। जो है आप यहाँ पे होल्ड करोगे, इसके साथ एक वायर है और एक सेंसर लगा हुआ है, और यहाँ पे आपको जो है कुछ जिप टाइज मिल जाती है, और इसी के साथ ही आपको जो है एक मैग्नेट मिल जाता है कुछ इस तरह का, और यहाँ पे जो है एक आपको जो है इसका बैटरी मिलेगा जिससे ये जो है चलेगा। तो ये आपको मिलेगा। तो चलिए अभी इसको असेंबल करते हैं। सो गाइस, यहाँ से जो है पीछे साइड से ऐसे खुल जाएगा ये, और यहाँ पे जो है इसका बैटरी लग जाएगा। देन उसके बाद इसको जो है आपको वापस से बंद कर देना है, और किसी कॉइन का भी यहाँ पे जो है आप मदद ले सकते हो। देन उसके बाद गए यहाँ से जो है सबसे पहले आपसे ये सरकमफ्रेंस पूछेगा। सरकमफ्रेंस का मतलब कि आपका जो व्हील का साइज है उसका जो सरकमफ्रेंस है वो कितना है। तो यहाँ पे जो आपको यूज़र मैनुअल में मिल जाएगा इसका सरकमफ्रेंस अलग अलग जो है व्हील के साइज़ के हिसाब से, और मेरे केस में इसको मैंने जो है 2100 जो है डाला है, और मेरा जो मीटर है वो करेक्ट रीडिंग बताने लगा था। इसके बाद गए यहाँ पे जो है एक माइल या फिर जो है किलोमीटर पर आर, इनमें से मैं किलोमीटर पर आर की स्पीड को सिलेक्ट करता हूँ। देन उसके बाद ये जो है कुछ स्पीड मांग रहा है, तो यहाँ मैं 80 सेलेक्ट कर देता हूं, और हमारा जो मीटर अभी वो रेडी है। और अभी इसको मैं जो अपनी बाइक में इंस्टॉल करता हूं। सो गाइस, बाइक में मैं यहां पे जो है कुछ इस तरह से इसको जो है लगाने वाला है उसके होल्डर को पहले, और इसके साथ जो है एक डबल साइडेड टेप है आप देख सकते हो, इसको मैं निकालता हूं डबल साइडेड टेप को, कुछ यहां पे जो है मैं इसको चिपका देता हूं। और गाइस, इसको फिक्स करने के लिए मैं यहां पे जो है जिप टाइज का मैं यूज़ कर लेता हूं। तो कुछ इस तरह से मैं जो है इसको जिप टाइज से अच्छे से बांध देता हूं मैं। सो गाइस, आप देखते हो ये अभी अच्छे से फिक्स हो चुका है, और यहाँ पे हमारा जो है मीटर कुछ इस तरह से लग जाएगा ऊपर से स्लाइड करके ऐसे नीचे को। और यहाँ पे गाइस, अभी इसका जो सेंसर है उसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। सो सेंसर के साथ भी जो है डबल साइडेड टेप आएगी। तो भाई, ये यहाँ पे कुछ इस तरह से लगेगा, और यहाँ पे आप देखते हो ये मैग्नेट यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा, तो इसके लिए मुझे जो है ये कुछ इस तरह का मैग्नेट मैंने जो है 3M की डबल टेप साइडेड जो है इसको चिपका के जो है लिया है। तो ये यहाँ पे मैं जो है कुछ इस तरह से लगा दूंगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने जो है डबल साइडेड टेप निकाल के कुछ इस तरह से चिपका दिया है, और इसको अच्छे से फिक्स करने के लिए यहाँ पे मैं जो है जिप टाइज का यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं दो जिप टाइज जो है लगा देता हूँ कुछ इस तरह से। सो आप देख सकते हो ये गैप आपको जो है बिल्कुल हल्का सा रखना है, ताकि हमारा जो स्पीडोमीटर है वो अच्छे से काम कर पाए। सो इस तरह से गए आप इसकी जो है सेटिंग कर सकते हो। अभी जो है इसको हम जो है टेस्ट करके देखेंगे। तो चलिए गाइस, अभी चलते हैं। तो गाइस, मेरे एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ से मैं बाइक चला रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा वीडियो शेकी लगेगा। सो गाइस, आप देख सकते हो मैं 30 के लगभग जो है स्पीड पर बाइक चला रहा हूँ, और मेरे जो ओरिजिनल वाला मीटर है जितनी रीडिंग उस पर है लगभग उतनी उसके आसपास ही ये बता रहा है, बिल्कुल एकदम करेक्ट बता रहा है। सो इस तरह से गए ये काम करता है। और गए यहाँ से आपको जो है टाइम, डिस्टेंस और ओडोमीटर की रीडिंग जो है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। सो इस तरह से गए ये स्पीडोमीटर काम करता है। सो आई होप गाइस कि आपको जो है वीडियो में कुछ नया देखने को मिला होगा। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।